लोकसभा चुनाव के दो चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन सबकी नजर उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर है, जहां से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ताल ठोक रही हैं, तो कांग्रेस अब तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। कल होने वाले नामांकन से पहले केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी अयोध्या पहुंची और रामलला के दर्शन करके जीत का आशीर्वाद लिया। धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की इस भव्य भूमि पर पधारना आना किसी भी सनातनी के लिए गौरव का विषय है। रामलला की करुणा आज हर मन को छू रही है। हालांकि अमेठी सीट से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के लड़ने की चर्चा जोरों पर है, लेकिन अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। तो इधर बीजेपी दावा कर रही है कि दोनों जगह कमल खिलेगा। इस बार अमेठी में भारतीय जनता पार्टी अपने विजय को दोहराने के साथ रायबरेली में कमल खिलाएगी। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतना है। अमेठी सीट पर पांचवें चरण में 20 मई को वोट डाले जाने हैं और कल स्मृति ईरानी यहां से अपना पर्चा दाखिल करेंगी। इधर अमेठी की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस कब यहां के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और अमेठी से राहुल गांधी के नाम की जोर शोर से चर्चा के बीच कांग्रेस दफ्तर में साफ सफाई का काम जोरों पर है। इतना ही नहीं, प्रचार के लिए लखनऊ से 3 गाड़ियां भी अमेठी भेजी गई हैं। ये जो 3 गाड़ियां लखनऊ मुख्यालय से यहां भेजी गई हैं, वो इस परिसर में पहुंच चुकी हैं। अमेठी में चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के लिए इन गाड़ियों को यहां लाया गया है। हालांकि अमेठी के कांग्रेस नेताओं को पूरा भरोसा है कि यहां से राहुल की उम्मीदवारी तय है। हम सब इस बात को मानते हैं कि सोनिया गांधी जी ने शुरुआत फिर यहीं से की, यहीं से राहुल गांधी जी ने शुरुआत की, तो वो परंपरा आगे बढ़ेगी। और खड़गे जी ने संकेत पहले दिए थे, वो संकेत से अमेठी का आदमी भरोसे में है। राहुल गांधी ने 2019 में अमेठी और केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा था, लेकिन अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे। और बात पते की यह है कि क्या अमेठी में कांग्रेस 1981 के उपचुनाव का इतिहास दोहराना चाहती है, जब नामांकन शुरू होने के बाद पार्टी ने राजीव गांधी के नाम का ऐलान किया था और उसी दिन नामांकन भी किया था। Zee News.